अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मसाले वाली चना दाल। इसमें लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर और खुश्क मसाले और उबली हुई दाल है मेरे पास। अभी हमने इसमें ऑयल डालना है और इसमें प्याज मोटे मोटे काट के डालने हैं और जो लहसुन है वो साबुत डाला है क्योंकि बाद में हमने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है और इस तरह लहसुन की जो स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। अब हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं तो अब इसमें जो ड्राई मसाले थे वो सारे ऐड करेंगे और साथ इसके जो टमाटर पेस्ट है मेरे पास वो साथ ऐड करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। ये अब टमाटर ऐड हो गए, थोड़ा सा बस इसे भून के फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे और सारा जो प्याज टमाटर और लहसुन है सारा ब्लेंड हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद दाल ऐड कर देंगे। अब ये सारा ब्लेंड हो गया अच्छी तरह। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें हमने दाल ऐड कर दी है जो बॉईल की हुई है हमने पहले से। इसको अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे ऊपर से ढक के।
अब इसको हमने ढक के हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रखना है। अब ये 10 मिनट के लिए हमने दम लगाई थी, ठीक हो गया, तैयार हो गया। और ये हमने डिश आउट कर लिया और इसके ऊपर अदरक और ग्रीन चिली डाली है और ये हमारी मज़े की दाल तैयार हो गई है।